वेलकम बैक बिट्टू टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि विंडोज 10 को जो हमने अपग्रेड किया है विंडोज 11 में, तो इसमें क्या क्या चीज़ें हमको अच्छी दिख रही हैं। सबसे पहले तो इसका डेस्कटॉप जो है बहुत ही अच्छा है, विंडोज 10 से तो थोड़ा बेहतरीन बनाया गया है इसे, क्योंकि इसमें जो है देखिए ये डेस्कटॉप का लुक बहुत अच्छा है हमारा, और नीचे जो नीचे टास्क बार है ये भी बहुत ही अच्छा बनाया गया है, इधर से जो है ओपन कर दिया है, और सारी चीज़ें इसी तरह से हैं। ये हमारा इंटरनेट कनेक्टिविटी थोड़ी सी चेंज कर दिया है, बैटरी का सिंबल चेंज कर दिया है, यानी थोड़े थोड़े फंक्शन हमारे चेंज कर दिए हैं, और जो है विंडोज का जो सिंबल होता है विंडोज 10 का थोड़ा सा टेढ़ा होता है, इसको सीधा कर दिया है स्टार्ट बटन जो है हमारी, और जो है रिफ्रेश करने का जो हम रिफ्रेश करते हैं इसका भी जो है डायलॉग बॉक्स चेंज कर दिया है, और थोड़ा विंडोज 10 से देखने में लुक इसका अच्छा दिख रहा है। और देखिए हम इसको जो है डेस्कटॉप को शो करा लेते हैं, डेस्कटॉप को हम वहाँ पे जो है विंडोज 10 में बड़ा छोटा भी करते थे, आइकॉन्स को यहाँ पे भी सेम चीज़ जो है दिया हुआ है, ग्रिड करके दे दिया है, ऊपर व्यू में ग्रिड करके दे दिया है, लार्ज आइकॉन, मीडियम आइकॉन, स्मॉल आइकॉन, ऑटो अरेंज, ये सारी चीज़ें जो है हमारा विंडोज 10 में जो था वही 11 में भी है, और थोड़ा सा इसका लुक चेंज हो गया है। और सबसे खास बात ये है इसमें डेस्कटॉप का जो बैकग्राउंड है इसको चेंज करने का, नेक्स्ट करने का सीधे सीधे ऑप्शन दे दिया है, देखिए यहाँ से नेक्स्ट डेस्कटॉप बैकग्राउंड, इसको करने से हमारा बैकग्राउंड चेंज हो जाता है। सेम जो है ये जो थीम्स लगी हुई है इसमें बहुत सारे बैकग्राउंड होते हैं, तो वो ऑटोमेटिक भी चेंज होते हैं, हम चाहें तो जो है इसे राइट बटन क्लिक करके और यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से ऑटोमेटिक भी चेंज होता है और हम चेंज भी कर सकते हैं कि कितना अच्छा जो है इसके थीम्स वगैरह भी हैं। और विंडोज पुरानी विंडोज जो थी हमारे उसमें भी ये न्यू कमांड था, न्यू में ये सारी चीजें थी, यहां पर भी हैं, और डिस्प्ले सेटिंग भी वहाँ पर भी थी, यहाँ पर भी है सारी चीज़ें। यहाँ यह है ओपन ए विंडो टर्मिनल, यहाँ से एमएस डॉस का सीधे विंडो खुल जाती है, इस तरह से ओपन करते ही यहाँ पर क्लिक करते ही खुल जाएगी, यानी कुछ अगर आपको प्रोग्राम बनाना है कुछ लिखना है तो यहाँ से आपका जो है ओपन हो जाएगा, पावर सेल स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसे क्लोज कर देते हैं, और जो है वन ड्राइव्स है, अगर आपके पास वन ड्राइव है तो वो भी आप कर सकते हैं। सो आइकन यहाँ से पुराना वाला जो है हमारा, मैं ये पुराना जो यानी विंडोज 10 का जो था वो उस तरह का भी खुल गया है, और यहाँ पे सेम चीज़ है, थोड़ा छोटे में हो गया ये लार्ज आइकन, यानी 10 की जैसे था उस तरह से ये दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें सेटिंग है इसमें जो हमारा डेस्कटॉप पे है, ठीक है। तो हमारा जो है स्टार्ट मेनू देखिए कैसे खुल रहा है, ये इस तरह से खुल रहा है, और इससे पीछे जो विंडो हमारी थी विंडोज 7 विंडोज 10 जिसको हमने अपग्रेड करके विंडोज 11 कर दिया है वो इस तरह से खुल रहा है, यानी लुक को थोड़ा चेंज कर दिया है और स्मार्ट बना दिया है इसे, ठीक है। यहाँ जो है वहाँ पे भी हमारा जो है पिछली विंडो में भी सर्च आइकन यहाँ पे था विंडोज के बगल में, यहाँ पे भी सर्च आइकन दिया हुआ है, तो वर्जेट्स दिए हुए हैं सब, और यहाँ पे जो है चैट करने के लिए गूगल ड्यू दे दिया है, और ये सारे जो है इस जो भी हम एप्लीकेशन यूज करते हैं वो तो पिन हम कर सकते हैं, और यहाँ पे जो है साइड में रेडियो बटन्स ये दिए हुए हैं सब, ये पुरानी विंडो में भी हमारे थी, ये वन ड्राइव्स हैं, ये माइक्स हैं, ये हमारी लैंग्वेज है, ये नेटवर्क है, और
ये हमारा जो है स्पीकर्स और बैटरी का सिंबल भी हमारा चेंज कर दिया है। और हमने ये देखा है कि विंडोज जो हमारी विंडोज 7 और विंडोज 10 को जो हमने अपग्रेड किया है उसकी अपेक्षा इसकी बैटरी जो है थोड़ा ज़्यादा चल रही है। अब जो भी सिस्टम हो इसमें यानी बैटरी बैकअप तो हमारा जो है पहले की अपेक्षा अच्छा मिल रहा है। तो इस तरह से हमने आपको बताया कि विंडोज 11 का बैकग्राउंड विंडोज 11 का जो डेस्कटॉप है वो पिछली विंडो के अपेक्षा हमारा जो है चेंज है। तो इस तरह से हम इसका बटन क्लिक करके और ये कमांड आपको क्लिक करना होगा पर्सनलाइज्ड और ये हमारा खुल जाएगा सेटिंग। अब हम यहाँ से जो आप चाहें डेस्कटॉप यानी चलिए हम इसकी थीम्स को चेंज करते हैं। इस तरह से आप जो है थीम्स चेंज करेंगे और नेक्स्ट करके इसके बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं और नहीं भी करेंगे तो ये कुछ समय बाद जो है ऑटोमेटिक होता रहता है। और बहुत सारे इसमें बैकग्राउंड से जो है आप पहले भी और अब भी जो है इसके प्ले स्टोर से जो है आपका जो भी जिसका भी लैपटॉप होगा डेल का हो या एचपी का हो इसके प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको कोई भी समस्या हो रही है अगर विंडोज़ को अपने अपग्रेड करने में तो हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रयास करेंगे। और मेरे हिसाब से तो आपको अगर आपकी पुरानी विंडोज़ है तो उसको अपग्रेड करके एक बार जो है ज़रूर विंडोज 11 को चेक करना चाहिए कि आपके सिस्टम अगर रिक्वायर्ड सही है तो ज़रूर अपग्रेड करना चाहिए क्योंकि नई चीज़ है और फ्री में आपको अपग्रेड करने के लिए मिल रही है। ठीक है, तो आप एक बार अपग्रेड करके ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।